कल रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आ गई है और लोगों को एक बार फिर अपने गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें मौसम की तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है, जिससे कि और ठंड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां एक और पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों को बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी। स्थानीय लोगों ने एक बार जहां फिर अपने गर्म कपड़े निकाल लिए, वहीं पर्यटक भी बाजारों में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। पर्यटन नगरी में एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है और मई के माह में दिसंबर जनवरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस अवसर पर स्थानीय निवासी जगजीत कुकरे जाने बताया कि जहां बारिश से आमजन को परेशानी हो रही है, वही पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई के माह में पहले कभी इतनी ठंड नहीं देखी थी। वही छावनी परिषद के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि बारिश के कारण स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही है और माल रोड पर चल रहे सुधारीकरण के कार्य के कारण पूरी माल रोड में दलदल हो गया है, जिससे दुर्घटना का भय बना हुआ है। देखिए मनीष गंगोली की ये रिपोर्ट। एक बार मौसम ने फिर से करवट बदली है, लगातार ठंड हो रही है, किस तरीके की दुश्वारी यहाँ देखने को मिल रही है? देखिए जो मौसम इस समय चल रहा है ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने की आवश्यकता है हमें वो हो नहीं पाते। कई बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ करना है, ये तो बड़ी दिक्कत का है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यटन जो आ रखे हैं पर्यटक, वो कहीं ना कहीं इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। देखिए मसूरी में सड़कों के तो पिछले 6 महीने से बहुत बुरा हाल है कि आप अगर किसी को इमरजेंसी कोई कार्य है तो वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सड़क खुदी हुई है और ऊपर से जब ये बारिश होगी है तो इसमें फिसलने का बहुत अधिक है, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घट सकती है। फिर से जो है ठंड बढ़ने लगी है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो किस तरीके की परेशानियां और पर्यटकों किस तरीके से आनंद ले रहे हैं? हाँ, एकदम आपका कहना ठीक है। कल से मौसम ने जो एकदम मिजाज बदल दिया है, मई के अप्रैल के एंड में यहाँ पे जो है काफ़ी बरसात हो रही है और बरसात में दोनों ही पहलू हैं, जहाँ पर्यटक इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं देखा जा रहा है कि उसी हिसाब से स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं, स्थानीय निवासी को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हमें भी आप देख रहे होंगे कि हमें जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं पर एक तो रोड भी टूटी हुई है, जगह जगह मलबे के ढेर हैं, तो काफ़ी कीचड़ हो गया है जिस कारण कि स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पर्यटक इसको काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है तो जहाँ देखिए परेशानियाँ होती हैं तो थोड़ा खुशी भी होती है, तो होती है, मौसम का मिजाज है, इसी तरह हम भी चलते रहेंगे।